जीवन कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। चूंकि मैं आज इसलिए भी आया हूं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अभी जो झारखंड में का जो स्थिति है बहुत ही खराब है। एक्चुअली ये हुआ है कि अभी पानी का कोई जो सीजन है और देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं। आइए पंकज जी दिखाइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे देखिए परपट बन चुका है, पूरा पानी सूख गया है। यहाँ पे पानी का कोई एकदम इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है कि पूरा धान मर रहा है और इस पानी के चलते पूरा धान मर जाएगा। तो सोचिए कि हम लोग जैसे किसान क्या होगा। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि एक किसान का स्थिति क्या होता है जब धान मर जाता है। तो बहुत ये देखिए पूरा एकदम पूरा जमीन एकदम परपट हो गया। देखिए देखिए ये पंकज जी दिखा रहे हैं, पूरा देखिए गौर से देखिए, देखिए कितना परपट हो चुका है। अगर ये पानी अगर 1-2 दिन में नहीं पड़ेगा तो ये पूरा तो मर ही गया लगभग, ठीक है। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि भगवान से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए और धान का खेती अच्छे से हो सके। वैसे सारा लगभग जो पूरा इधर एरिया दिख रहा होगा ये पूरा एरिया पूरा धान से भरा हुआ है, लेकिन पानी अब पूरा परपट बन चुका है, ठीक है। तो भगवान से प्रार्थना करें जल्द से जल्द पानी पड़े। अगर 1-2 दिन के अंदर पानी नहीं पड़ता है तो पूरा धान सूख जाएगा और इस बार जब धान नहीं होगा तो हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग का जो फैमिली है फार्मर बैकग्राउंड से आता है और हम लोग का स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगा। मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि अपने भगवान से प्रार्थना करें ताकि सिचुएशन जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, पानी पड़े, ठीक है। आज के वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।